विरोधी के बीच कृषि कार्यालय में बैठक संपन्न। बेगूसराय के जिला कृषि कार्यालय में सोमवार के दिन रिटेलर और खाद कंपनी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उर्वरक खाद मंत्री के अधिकारी एवं खुदरा खाद विक्रेता संघ के प्रतिनिधि एवं थोक खाद विक्रेता के प्रतिनिधि मंडल के साथ की गई। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी राजेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि कंपनियों के द्वारा होलसेलर और रिटेल पॉइंट तक उर्वरक पहुँचाया जाए। संबंध में कंपनियों को निर्देश दिया गया कि रिटेलर और होलसेलर तक उर्वरक पहुंचाया जाए। उन्होंने बताया कि बेगूसराय के सभी उर्वरक कंपनियों और खाद विक्रेताओं प्रतिनिधि होलसेल प्रतिनिधि जिला परिषद मटिहानी प्रतिनिधि इस बैठक में सम्मिलित हुए। उन्होंने बताया कि यह बैठक रेगुलर हम लोग करते रहते हैं। वहीं खुदरा खाद विक्रेता के लिए के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ पौदार इस बैठक के विरोध कर रहे थे। उन्होंने यह आरोप लगाया कि यह बैठक जिलाधिकारी हम लोगों को बिना सूचना के और अपने दो चार मिलाए हुए प्रतिनिधियों को साथ में बैठक कर रहे हैं। हम लोगों को इसकी सूचना इन्होंने नहीं दी है। जब हम लोगों को अखबार के द्वारा इस बैठक के बारे में पता चला तो हम लोग खुदरा खाद विक्रेता संघ के जितने भी प्रतिनिधि है इस बैठक में भाग लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन जिला कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा हम लोगों को कार्यालय से निष्कासित कर दिया गया और अपने तथाकथित लोगों के साथ मिलकर यह बैठक किए हैं, जिसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को हम लोगों ने जिला कृषि कार्यालय के परिसदन में धरना दिए थे, जिसमें उन्होंने आश्वासन देकर यह धरना प्रदर्शन करवाए थे। हम दो तीन दिन के अंदर एक बैठक करने जो भी आपकी मांग है उस पर विचार करेंगे, लेकिन इससे हम लोगों को पूर्व सूचना के या बैठक दिए अगर हम लोगों को मांग पूरा नहीं हुआ, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को हम लोगों ने जिला कृषि कार्यालय के परिसदन में धरना दिए थे, जिसमें उन्होंने आश्वासन देकर यह धरना करवाए थे कि हम दो तीन दिन के अंदर एक बैठक करके जो भी आपकी मांग है उस पर विचार करेंगे, लेकिन इन्होंने हम लोगों को पूर्व बिना सूचना के यह बैठक किए अगर हम लोगों को मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग इसकी सूचना जिलाधिकारी को देंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे। बैठक के बाद उर्वरक खाद कंपनी और जिला कृषि अधिकारी द्वारा जिला कार्यालय के बाहर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। इसमें राजेंद्र कुमार वर्मा द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस बैठक में कंपनियों के प्रतिनिधि श्री राजनारायण सिंह, श्री पीयूष कुमार, श्री नरेश घोड़े, मयंक पांडे, साथ में जिला परिषद मटियाने श्री अंजनी कुमार के प्रतिनिधि के रूप में आए हुए रामाशीष राय, प्रकाश कुमार कृषि समन्वयक। आज बैठक थी, आपको पता है बैठक की सूचना हमको लिखित नहीं दी गई। हम लोग हिंदुस्तान पेपर में पेज 7 पर देखे कि जिला कृषि कार्यालय में थोक विक्रेता बफर और कंपनी के प्रतिनिधि के साथ बैठक 2 बजे से होगा। उसी सूचना पढ़ करके हम जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से मिलने आए जिला संघ के लोग, तो उन्होंने हम लोगों को बेइज्जत करके भगा दिए। कहे कि नहीं, आपका बैठक नहीं करावेंगे हम। हमको जिसको मन को हुआ उसको हम बुला लिए अनुमंडल से, आप लोग जाइए यहाँ से, हमको घेरने आए हैं, कुछ करने आए हैं। इस तरह का भाषा से हम लोगों को सम्मानित किए जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, और हम लोगों को बाहर निकाल दिए, चले आए। और वहाँ जाकर के जो बैठक हुआ, बैठक में मेरा 7 सूत्री मांग था धरना में। 23 अगस्त को जो धरना था, उस धरना कार्यक्रम में 7 सूत्री मांग था। उस 7 सूत्री मांग में से क्या हुआ वो हमको जानकारी भी नहीं दी गई। तो आज बैठक जो कर रहे थे DO साहब, तो किनके साथ बैठक किए? जब आप प्रतिनिधि आपको बुलाया नहीं तो क्या मतलब बैठक के? तो इसका जवाब तो DO साहब को देना चाहिए। हाँ। इसका जवाब DO साहब दें कि जब धरना मेरे द्वारा किया गया, जिला खुदरा विक्रेता संघ के द्वारा धरना हुआ, और मांग 7 सूत्री मांग था जिला कृषि जिला खुदरा उर्वरक विक्रेता संघ से का, तो उन्होंने ये संघ को बाईपास करके जो बैठक कराए, इस बैठक का क्या अभी औचित्य है, क्या अभिप्राय है, इसका जवाब तो DO साहब को देना चाहिए। तो वो सिर्फ कंपनी के ही लोगों के साथ बैठक करें? नहीं, कंपनी के साथ बफर, थोक विक्रेता और चार अनुमंडल से जो उनका खास आदमी था राम प्रकाश, जो DO साहब हैं। DO साहब तो सिर्फ DO साहब हैं, लेकिन सारा खेल मेल करते हैं राम प्रकाश। राम प्रकाश के मौसेरे भाई हैं संजय सिंह, बरजय सिंह, वैसे रिश्तेदार को बुला करके उसमें शामिल करके कॉलम पूरा किए कि हम खुदरा दुकानदार को भी बुलाए हैं, जबकि मांग मेरे संघ का था।
संघ को बाईपास कर दिए, संघ से कोई मशविरा नहीं लिए। अभी कुछ दिन पहले आप यहाँ पर 23 अगस्त को धरना दिए थे, उसका क्या निष्कर्ष निकला? वही उस दिन कहे थे कि हम 2-3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को बैठा करके तय कर देंगे, सब समस्या हल कर देंगे। और उसके बाद जो है आज सोच लिया जाए, 23-7वां दिन जो है बैठक किए हैं, हम लोगों को चिट्ठी नहीं दिए, हम तो अखबार में पढ़ करके आए यहाँ पूछने के लिए। बैठक में मैंने आप लोग को नहीं जाने दिया गया, उसमें आपको निष्कासित कर दिया गया है। ये सरासर मैंने मनमानी हुआ। आप क्या हैं, प्रतिनिधि हैं कि नहीं? हम जिला के अध्यक्ष हैं, खुदरा विक्रेता संघ के, विश्वनाथ पुदार मेरा नाम है। और हम लोगों को टारगेट में रखे हुए हैं, हम जो 10 गो 11 गो जिला संघ के लोग हैं उनको ये लोग टारगेट में लिए हुए हैं कि हम तुम पर केस करवावेंगे, ये करवावेंगे, ऐसे फंसा देंगे, वैसे फंसा देंगे। अच्छा, तो आपका अगला रणनीति क्या है? अगला रणनीति, हम लोग डीएम के यहाँ जा रहे हैं अनशन पर बैठने के लिए। कब से? बस आज बैठक करके हम लोग तिथि तय करेंगे और डीएम साहब को स्मारक पत्र देंगे। माने एक कृषि विभाग, कृषि जिला कृषि पदाधिकारी और राम प्रकाश के खिलाफ विरोध में। जी, क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ पुदार। आज ये बैठक जो किए हैं सर, मतलब क्या उद्देश्य से किए? इस बैठक का आज मुख्य उद्देश्य था कि कंपनियों के द्वारा होलसेलर और रिटेल पॉइंट तक उर्वरकों का अपवाद पहुँचा। इस संबंध में ये बैठक की गई है और इस बैठक में कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वो रिटेल पॉइंट तक उर्वरकों को अपवाद पहुँचाएँ। कंपनियों के लोग भी आए हुए हैं क्या इसमें? सभी कंपनियों को, जो बेगूसराय जिला में जितनी भी कंपनियों का उर्वरक की बिक्री की जाती है जी। सभी कंपनियों के कंपनी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और सभी होलसेलर हैं, रिटेलर के भी 5-6 प्रतिनिधि यहाँ रिटेलर के भी बैठे हैं। सारी प्रक्रिया का एक पारदर्शिता हो इसके लिए हमारे बीच में 2 जनप्रतिनिधि भी हैं, एक मटियानी के जिला परिषद और वो सीटू के अध्यक्ष भी हैं, दूसरा एक जनता दल यूनाइटेड के जिला के जो कृषि किसान मोर्चा के संयोग से वो पहुंच नहीं पाए, उनको भी बुलाया गया था वो भी, लेकिन प्रोसीडिंग का पार्ट उनको जाएगा, ताकि ये हो कि हमारे ज़िले में जो समस्याएं हैं अखबार को लेकर के कंपनी के प्रतिनिधि होलसेलर रिटेलर के साथ चर्चा करके इसको सॉल्व किया जाए, बैठक का यही मुख्य उद्देश्य था। तो अभी कुछ दिन पहले आपके किसान और जो किए थे धारणा दिए थे किसान और कुछ खुदरा खाद विक्रेता, तो मतलब उसी का जो भी उसी के आलोक में नहीं, क्योंकि ये एक हमारी रेगुलर बैठक चलती है, क्योंकि ये बैठक प्रस्तावित था तो उसी बैठक में हुआ कि अगली बैठक में हम जनप्रतिनिधि और खुदरा विक्रेताओं को भी कुछ लोगों को बुला लेंगे, उसी के क्रम में आज की बैठक उसको भी बांध सकते हैं कि उसके आलोक में भी किया गया। ये चूँकि सर नैनो का किसान लोग विरोध कर रहे थे। नहीं, नैनो का विरोध, नैनो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन किसानों के बीच में अभी इसका जो व्यवहारिक पहलू है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये तकनीकी का ज्ञान किसानों को नहीं है, इसके चलते किसान इस तकनीकी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए किसान इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने इफ्को के प्रतिनिधि को इस बैठक के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि नैनो का स्टॉक अभी ज़िले के विक्रेताओं के पास बहुत बचा हुआ है और वो आगे इसका स्टॉक ना बनाए और इसकी सप्लाई जब तक किसान का डिमांड नहीं हो ज़िले के अंदर इसकी सप्लाई ना करें। आपका परिचय क्या है सर? राजेंद्र कुमार वर्मा, जिला कृषि पदाधिकारी बेगूसराय।